वन आज मैं एक न्यू ब्लॉक लेके आया हूँ देखिए आई विल बी मेकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम दिस बैम्बू ये बैम्बू देखिए काफ़ी ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है मैंने देखिए ये मार्केट से लेके आया था जहाँ पर बैम्बूज मिलते हैं वहाँ से लेके आया था मैंने आपका बैम्बू मैंने आपका दो छोटा पीस लेके आया था यहाँ से देखिए मैंने इस पर पहले वाइट कलर करने, color, करने वाला हूँ बेस पे आई विल बी यूजिंग द एक्टली कलर वाइट एक्टली कलर नियॉन कलर्स देखिए मैंने यहाँ यूज़ करने वाला हूँ फोर नियन कलर्स एंड आई विल बी यूजिंग द ब्लैक कलर वाइट कलर और देखिए ये जो ब्रशेज है और ये वाटर बेस पे देखिए मैं वाइट कलर करने वाला हूँ और ये इस टाइप के बैम्बूज देखिए आपका मार्केट में आप जहाँ लोकल मार्केट्स में जहाँ देखिए बैम्बूज वगैरह जो बेचते हैं वहाँ से आप इजीली मिल जाएंगे आपको बैम्बूज और इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है बैम्बूज मैंने एक आप लॉन्ग बैम्बू लिया था छोटा सा बैम्बू स्मॉल जो कटिंग पीस ऑफ बैम्बूज मैंने लेके आया था नाउ आई विल बी जस्ट बी डूइंग द वाइट कलर बेस मैंने व्हाइट कलर किया हूँ इसका ऊपर मैंने नियॉन येलो कलर करने वाला हूँ देखिए मैंने पहले बेस पे कलर कर लिया था वाइट कलर उसके बाद देखिए मैंने नी ऑन येलो कलर में किया हूँ यहाँ पर नी ऑन येलो कलर एंड डाउन आई हैव डन द नी ग्रीन कलर और साइड भी देखिए मैंने ब्लैक बॉर्डर कर दिया हूँ यस देखिए हाँ जी उसके बाद देखिए मैंने पेंसिल से यहाँ पर वॉली आर्ट ड्रॉ किया हूँ वॉली आर्ट जबकि आपको पता है मैं अधिकतर ड्रॉइंग जो आपका वॉली आर्ट पेंटिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि वॉली आर्ट काफ़ी ईजी होता है जो न्यू पेंटिंग स्टार्ट रहे जो स्टार्टर्स है जो जस्ट बिगिनर्स हैं, उनके लिए काफी ईजी होता है वॉली आर्ट इसमें से आपको दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करना पड़ता है देखिए वैसे मैंने साढे इस पर करना है देखिए जो जहाँ से पेंसिल मार के पूरा पे मैंने करना है देखिए मैंने अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे मैंने देखिए कर लिया हूँ नाउ आई विल बी जस्ट डूइंग द हेड आई यूज द ज़ीरो ब्रश देखिए मेरा अपर, अपर पार और लोअर पार्ट पे देखिए होगी जो लोअर पार्ट पे हमने जैसे सेम आई विल बी डूइंग इट ऑन द अपर पार्ट आल्सो और देखिए बैम्बूज ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है आपको लगेगा जो कि बैम्बूज़ काफ़ी कहाँ मिलेंगे आप लोकल मार्केट पे कहीं पर मिल सकता है जहाँ पर आपका बैम्बूज शॉप होता है देखिए अभी ये जो जो बॉर्डर्स पर देखिए काफ़ी ईजी बॉर्डर्स मैंने करना है देखिए ये जस्ट लाइन यही ये काफ़ी इजी पैटर्न है और मैं इजी पैटर्न्स में मैं ड्रॉ करता हूँ ताकि हर कोई जिसको ड्राइंग आता है जिसको नहीं आता है वो भी कर सके ड्राइंग। सेम थिंग आई विल बी डूइंग ऑन द डाउन पार्ट आल्सो हाउ आई हैव डन ऑन द टॉप पार्ट मैंने ऊपर में जैसे क्या नीचे भी मैंने वैसे ही करने वाला हूँ डिजाइन्स ब्लैक कलर फिर देखिए मैंने जो सेंटर वाला पोर्स से देखिए यहाँ पर मैंने कुछ म्यूजिकल फिगर ड्रॉ किया हूँ इस टाइप के फिगर आप आप मतलब जो नेट से भी फाइंड आउट कर सकते हो जो गूगल में वहाँ से भी आपको इस टाइप के डिज़ाइन मिल जाएंगे और इस पर देखिए मैंने नियॉन कलर यूज़ करने वाला हूँ जिसे वहाँ पर मैंने ब्लैक किया था यहाँ पर देखिए जो फिगर्स है फिगर्स पे देखिए मैं नियॉन कलर यूज़ करने वाला हूँ नियॉन पिंक और नियॉन ऑरेंज देन आई विल जस्ट डूइंग द ब्लैक बॉर्डर देखिए वहाँ पर मैंने व्हाइट किया हूँ और बाकी देखिए मैं ब्लैक बॉर्डर करने वाला हूँ मैं आपको एक और सजेशन में देना चाहता हूँ देखिए मैंने जैसे सेंटर पोशन पर म्यूजिकल जो फिगर ड्रॉ किया हो कि वॉली आर्ट का अगर आपको म्यूजिकल फिगर ड्राइंग करना नहीं आता है तो आपने ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट में जो ड्राइंग किया है उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो इन द सेंटर जिनको लगेगा जो कि ये ह्यूमन फिगर म्यूजिकल फिगर आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो ऊपर में जो आपने जो ड्रॉइंग किया है सेम ड्राॅइंग आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो या सेम वे आई विल जस्ट डूंग द आउट लुंग बॉर्डर इन ऑल द ह्यूमन फिगर ह्यूमन फिगर पर देखिए मेरा ह्यूमन फिगर कंप्लीट हो चुका है नाओ ये जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इस पर मैं ड्राॅइंग करने वाला हूँ सिंपल ड्राॅइंग जो सिंपल डिजाइन में करने वाला हूँ इस पर देखिए देखिए जो बैम्बू जो स्टैंड है इस पर आप, आपका जो पेंटिंग ब्रशेज जो होता है वो ब्रशेज भी आप रख सकते हो इस पर इस पर आपने जो ड्राई फ्लावर्स रख सकते हो ड्राई फ्लावर्स यू कैन मेक अ फ्लावर पॉट या तो फिर जो आपका मतलब किचन में कोई क्रॉकरीज जो है रखना हो जो टेबल स्पून या फिर जो कड़ी स्पून वो भी आप इस पर रख सकते हो सो यू कैन यूज़ इट इन द मल्टीपर्पज वे मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो एज अ शो पीस और एज़ हाउस आइटम्स ऑल्सो हाउस होल्ड आइटम्स नाउ इट इज टोटली कंप्लीटेड और इसका ऊपर मैंने वर्निश करने वाला हूँ वर्निश इसीलिए करता हूँ ताकि ये ये बेम्बूज पर कोई फंगस ना आ जाए और इस पर एक ग्लॉसी लुक भी आता है इसलिए हम लोग हमेशा इस पर वर्निश करना चाहिए जो काफ़ी इजिली अवेलेबल होता है हार्डवेयर शॉप okay. में वर्निस is completed after completing the final look. आप चाहो तो इस टाइप का तीन चार और भी बना सकते हो इट विल गि बाई लुक अब देखिए मैंने एक और पेन स्टैंड मैंने इसको पहले ही बनाया था पेन स्टैंड और इस पर मैंने डायरेक्टली ये वॉलिया ड्रॉ किया था इसका बेस पे मैंने कोई कलर नहीं किया था आप चाहो तो इसको पेंट इसको पेन स्टैंड या फिर पून स्टैंड भी भी यूज़ कर सकते हो स्पून भी रख सकते हो इस पर स्पूंस एंड इफ यू लाइक दिस बैम्बू आर्ट बैम्बू प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल बाई टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस वर्क